नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट का दिन है आज, मतलब नीतीश सरकार का बड़ा इम्तिहान है आज। और ऐसे में बिहार विधानसभा की कार्रवाई बस शुरू ही होने वाली है, 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने वाली है। इंतजार हो रहा है किसी भी पल जो राज्यपाल हैं वो पहुंचेंगे बिहार विधानसभा। इस वक्त क्या है हलचल, अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं, शशांक हमारे साथ मौजूद है। शशांक, किसी भी पल राज्यपाल पहुंच सकते हैं? बिल्कुल, किसी भी वक्त आ सकते हैं। वैसे जो पूरा आज का कार्यक्रम है उसके बारे में आपको बता दें, 11 बजे से विधानसभा की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। पहले स्पीकर का प्रारंभिक संबोधन होगा, उसके बाद सभी विधायक और जो विधान पार्षद हैं वो सेंट्रल हॉल में जाएंगे, जहां पे राज्यपाल विधान जो सभा के जो सदस्य हैं, जो परिषद के सदस्य हैं, उनको संबोधित करेंगे। इसके बाद सेंट्रल हॉल से सभी विधायक लौटकर पुराने भवन में आएंगे और वहां पर जो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का जो नोटिस दिया गया था उस पर वोटिंग होगी। अगर वोटिंग होती है तो देखना होगा क्या नतीजे आते हैं, लेकिन उसके पहले अगर स्पीकर इस्तीफा दे देते हैं तो एनडीए सरकार की एक बड़ी जीत मानी जाएगी। उसके बाद आसानी से नीतीश बहुमत भी साबित कर देंगे। लेकिन अगर स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है उस पर वोटिंग होता है तो फिर देखना होगा कि आगे चीजें क्या रहने वाली है। लेकिन अभी का जो कार्यक्रम है यही है, राज्यपाल किसी भी वक्त जो है यहाँ पे पहुंच सकते हैं। कांग्रेस में जो एक दो विधायकों की नाराजगी की बात सामने आ रही थी, शशांक जो बात आपने कही है कि सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष का संबोधन होगा, तो सबसे ज्यादा तो उसी में हंगामा हो जाएगा फिर शुरू में विधानसभा के अध्यक्ष के संबोधन को लेकर, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है वो तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर ही आ गया उनके खिलाफ। वो प्रारंभिक संबोधन हमेशा होता है, ये एक नियम है, तो उसी के हिसाब से वो संबोधन होना है। उसके बाद राज्यपाल का संबोधन होना है सेंट्रल हॉल में, उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। तो लेकिन स्टार्टिंग में अभी जब स्पीकर क्या बोलते हैं इस पर सबकी नज़रें टिकी हैं, या ये भी हो सकता है कि पर्याप्त संख्या बल नहीं होगा तो शुरू में ही अभी से दो चार मिनट बाद इस्तीफा दे दें, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। हाँ, जब उनका प्रारंभिक संबोधन ये होगा तो हो सकता है हंगामा हो, क्योंकि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। लेकिन अभी जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, फौरन ही सियासी हाई वोल्टेज ड्रामा बिहार विधानसभा से उसकी तस्वीरें आने लगेंगी, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। बिहार के डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव को जोरदार जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं खेला तो हो गया, बच्चे को खिलौना मिल गया। सुनिए जरा, खेला हो गया। तेजस्वी यादव ने जो कहा था बच्चा का खेला, बच्चे को खिलौना मिल गया है, बच्चे के लिए खिलौना लाए हैं। तो ये तेवर आप देख रहे हैं, सम्राट चौधरी कह रहे हैं बच्चे के लिए खिलौना लाए हैं। बच्चा मतलब वो इशारों में निशाना तेजस्वी यादव पर साध रहे हैं। तेजस्वी यादव जिन्होंने नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण वाले दिन जब बाजी पलट कर एनडीए के साथ सरकार बना रहे थे नीतीश कुमार, उस दिन कहा था कि साहब अभी खेला बाकी है। ऐसे में बिहार में क्या होने वाला है, इतना तो तय है ना राकेश शुक्ला जी के, जैसे ही बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा शुरू हो जाएगा। शशांक जो बोल रहे थे बिल्कुल सही है, यदि संख्या बल होगा तो निश्चित तौर पर बहुमत की टेबल तक बात पहुंचेगी, यदि संख्या बल नहीं होगा तो विधानसभा अध्यक्ष के संबोधन के बाद, क्योंकि आरजेडी चाहेगी कि उसकी बात पहुंचे लोगों तक, इसलिए वो राजनीतिक संबोधन होगा। और उस संबोधन के बाद आप याद करिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी सदन में संबोधन के बाद ही रिजाइन दिया था, तो इस संबोधन के बाद हो सकता है विधानसभा अध्यक्ष भी अपने इस्तीफे की घोषणा कर दे और मामला बहुमत तक नहीं पहुंचे और एक सम्मानजनक उनकी विदाई हो जाए। लेकिन यदि संख्या बल को लेकर जिस तरीके के आंकड़े आ रहे, यदि वो हुआ तो हमें लगता है फिर सीधे सीधे वोटिंग की स्थितियां पहुंचेगी। तो आप जो कह रही हैं सही है कि विधानसभा का सत्र शुरू होते ही पॉलिटिकल ड्रामा बिल्कुल बहुत गर्माहट के साथ हो गया है। सर, शुरू हो गया है। ABP News, आपको रखे आगे।